टुडे आज जो है, कल कह रहे थे कि लेत का कुछ वीडियो दिखाइए, है ना? हाँ, तो हाँ, इसीलिए मैंने आज लेत मशीन को ही लेके आया हूँ कि लेत का आपको बारे में अच्छा से जो है बताया जाए, क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेत एक वर्सटाइल मशीन है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो है इंग्लैंड में खोजा गया, और जोसेफ मोसे इसका जो है इन्वेंटर था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको इसको लेथ मशीन को खोजा गया। इसकी कहानी यही है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो नए नए इक्विपमेंट वगैरह बनाने का जरूरत पड़ गया इंग्लैंड में, तो लेथ मशीन को खोजा गया, है ना? तो लेथ मशीन इट रिमूव्स द मेटल फ्रॉम ए पीस ऑफ द वर्क टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। ये जो है मेटल आपको रिमूव करता है ना, वर्कपीस से आपको जो है मेटल आपको रिमूव करता है फॉर द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। जिस भी साइज का आपको चाहिए उस साइज का आपको मेटल आपको रिमूव करता है। और इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द सिलिंड्रिकल शेप्स फ्रॉम ए रेंज ऑफ द मटेरियल इंक्लूडिंग स्टील्स एंड द प्लास्टिक। किसी भी मटेरियल को, प्लास्टिक को, वुड को, स्टील से लेकर के किसी भी मटेरियल को इसमें जो है आप काम कर सकते हैं लेथ में। लेथ का ये फायदा है ना? कारपेंट्री शॉप में, वुड वर्किंग इंडस्ट्री में, जहां पे लकड़ी का काम होता है वहां पे लकड़ी का जो है रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। प्लास्टिक में भी इसका यूज होता है, एल्युमिनियम में भी यूज होता है, कॉपर में भी यूज होता है। आपको कोई भी मटेरियल आप इस पे काम कर सकते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। बहुत ही खूबसूरत मशीन है जो मोल्से ने बनाया है ना? तो लेथ जो है आपको दो तरह से ऑपरेट हो सकता है, जो जो आपने वहां पर मां यशोधरा में देखा होगा ना, जी सर, वो आपको मैनुअल लेथ है ना, जी मैनुअल लेथ है, वो आपको हाथ से काम करता है। दूसरा होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ, सीएनसी मशीन, है ना? इसमें जी सारा ऑपरेशन जो है आपको कंप्यूटर से होता है, सीएनसी से होता है ना? ये देखिए, आपको लेथ का फोटोग्राफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यही आपको लेथ का फोटोग्राफ है ना? लेथ का कंप्लीट फोटोग्राफ है यहां पर, देखिए, है ना? यहाँ पे कंट्रोल टूल है, यहाँ पे हेड स्टॉक है, और ये आपको सिविल रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, टूल पोस्ट है। ये आपको लेथ का फिगर है ना, ये लेथ का फिगर मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा, इसके जो प्रिंसिपल पार्ट्स हैं, ये आपके प्रिंसिपल पार्ट्स हैं लेथ के, है ना? आज सारे पार्ट्स का, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम आपको सारे जो है डिटेल से आपको हम क्लियर करेंगे। और ये फिगर आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाइए और सभी पार्ट्स का नाम आप क्लियर कीजिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि इंडस्ट्री में, ये इंडिया में 90% इंडस्ट्री में काम होता है लेथ पे, तो लेथ का नॉलेज तो बिल्कुल जरूरी है फॉर टू बीइंग ए टेक्नीशियन पर्सन। लेथ का नॉलेज, हमने कई लेथ को असेंबल कराया है, खोला है, बनवाया है, और कई लेथ में मॉडिफिकेशन भी करवाया है, तो ये लेथ के बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक तरह से मैं आपको आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपको गियर लीवर है ना? गियर लीवर है ये दो ऊपर नीचे गियर लीवर है, इससे गियर चेंज करते हैं, है ना? यहाँ पे साइड में गियर्स रहता है, गियर को चेंज करना है ना, तो इससे गियर से चेंज करते हैं। ये आपको मोटर लीवर है, मोटर को आपको स्पीड, यहाँ पे पीछे मोटर रहता है, तो मोटर का जो स्पीड है आपको ये दो तीन चक्कर लगा के डिफरेंट मोटर पे आपको चेंज करते हैं, है ना? ये आपको मोटर लीवर है। ये आपको हेड स्टॉक है, ये आपको यहां पर जो है,
है ना, इसको हेड स्टॉक बोलते हैं, और ये आपका चक है ना, ये आपको चक है। और इसमें आपके दो तरह के चक होते हैं, एक तो यूनिवर्सल चक होता है और एक फोर्जा चक होता है। दोनों तरह के चक आपको हम दिखाएंगे। यूनिवर्सल चक में आपको सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपको यहां पे लगाया जाता है, और फोर्जा चक में कोई किसी भी तरह का जॉब जो है आप इसमें लगा सकते हैं, सिलिंड्रिकल होना जरूरी नहीं है। यहां पर आपको कूलेंट सप्लाई है, ये आपको टूल पोस्ट है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है, ये आपको सैडल है ना, ये आपको सैडल हैंडल है, ये आपको इमरजेंसी स्टॉप है, ये आपको लेथ ब्लेड है, ये आपको फिट शाफ्ट है, ये आपको लीड स्क्रू है, ये आपको टेल स्ट्रोक है, ये आपको टॉप स्लाइड है, ये आपको टूल पोस्ट है ना। ये सारे पार्ट्स का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए एक टेक्नीशियन पर्सन को, जो क्या क्या जो है लेथ का पार्ट्स है उसके बारे में ये याद होना चाहिए, है ना। तो टाइप्स ऑफ द लेथ, कितने तरह के लेथ होते हैं, कितने तरह के लेथ होते हैं, तो यहां पर आपको दिखाया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल लेथ होता है, हॉरिजॉन्टल लेथ होता है ना, सेंटर लेथ होता है, इंजिन लेथ होता है, बेंच लेथ होता है। बेंच लेथ छोटा होता है, जिसको कि बेंच पे रखा जाता है, टेबल पे रखा जाता है ना। इंजिन लेथ जो आपने मां यशोधरा में देखा होगा वो आपको इंजिन लेथ है ना, वो आपको इंजिन लेथ है, और वो सेंटर लेथ के लिए भी आता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द पर्पस और द यूज, जनरल पर्पस लेथ होता है, सिंगल पर्पस लेथ होता है, स्पेशल पर्पस लेथ होता है ना। टूल रूम में, टूल रूम के टूल पे काम करने के लिए आपको टूल रूम लेथ होता है, और ट्रेसर और कॉपिंग लेथ होता है। अगर किसी तरह का आपको पार्टिकुलर टाइप का शेप का जॉब बनाना है तो उसको कॉपिंग लेथ बोलते हैं, ट्रेसर लेथ बोलते हैं, ये आपको 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 लेथ बोलते हैं इसमें। दूसरा अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है, लो ड्यूटी लेथ होता है, छोटा छोटा जॉब का काम किया है ना, उसको स्मॉल लेथ बोलते हैं। मीडियम ड्यूटी लेथ होता है और उसको मीडियम बोलते हैं, और हैवी ड्यूटी लेथ होता है उसको लार्ज ड्यूटी बोलते हैं, है ना। और मिनी और माइक्रो टेबल टॉप लेथ होता है, ये आपको छोटा लेथ होता है ना। ये अकॉर्डिंग टू द साइज लेथ का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मिनी और द माइक्रो, है ना, ये आपको किया जाता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग जो है लेथ का क्लासिफिकेशन किया जाता है, नॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटिक लेथ, सेमी ऑटोमेटिक लेथ, नॉन ऑटोमेटिक लेथ, है ना। तो ऑटोमेटिक लेथ का मतलब है आपको सीएनसी लेथ। फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द स्पिंडल, कितने स्पिंडल उसमें लगे हुए हैं, सिंगल स्पिंडल लेथ, मल्टी स्पिंडल लेथ, है ना, सिंगल स्पिंडल लेथ, मल्टी स्पिंडल लेथ, है ना। आइए, और एक लड़का आकाश कुमार जी ज्वाइन कर गए हैं, मोस्ट वेलकम आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पिंडल, सिंगल स्पिंडल लेथ होता है, मल्टी स्पिंडल लेथ होता है ना। तो ये आपको मैं आपको जो आपको मैंने आपको बता रहा था, आकाश जी आ गए हैं, आकाश जी को मैंने आपको बता दूं कि ये वीडियो आप आकाश जी आप देख लेंगे, उसमें मैंने पार्ट्स के नाम आपको बताए हैं, जो लेथ के जो पार्ट्स के नाम है, और टाइप्स ऑफ द लेथ मैं आपको कैरी कर रहा था। तो आकाश जी आपसे अनुरोध है कि आप एक बार घर में जाकर के फिर से शुरू से आप वीडियो देख लेंगे, है ना। तो ये काइनेमेटिक सिस्टम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल,
लेथ का आपको काइनेमेटिक सिस्टम क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए यहां पे आपको बताया गया है व्हाट आर द काइनेमेटिक सिस्टम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लेथ, यहां पर क्लियर किया गया है, दिखाया गया है। देखिए ये फिड रोड है, यहां से यहां तक है ना, ये आपको फिड रोड है ना, ये आपको सेक्शन दिखाया गया है लेथ का ना, थोड़ा सेक्शन दिखाया गया है, इसमें लेथ का अंदर का पार्ट्स भी आपको दिखाया गया है। तो ये आपको फिड रॉड है, फिड रॉड का काम ये है ना कि जब आपको ऑटोमेटिक करना है ना, ऑटोमेटिक फीड देना है तो फिड रॉड का यूज करते हैं, ये फिड रॉड का यूज करते हैं। ये आपको लीड स्क्रू है, जब आपको थ्रेड कटना कट करना है ना, चूड़ी कट करना है वर्कपीस पे, तो लीड स्क्रू में हाफ नट को इंगेज कर देते हैं, है ना। ये आपको हाफ नट है, देखिए ये हाफ नट है, यहां पे इसका लीवर है हाफ नट का। जब जब आपको जॉब करते हुए आपको लेथ दिखाया जा रहा है, जॉब कट करते हुए लेथ दिखाया जा रहा है, जब उसमें थ्रेड कट करना है, जब उसमें चूड़ी कट करना है, तो हाफ नट को यहां पर लेड स्क्रू में आपको इंगेज कर देते हैं, है ना। सारे पार्ट्स का नाम बिल्कुल आप जो है याद कर लीजिए, ये आपको लेड स्क्रू है, ये आपको हाफ नट है। दूसरा ये रैक है, देखिए है ना, यहां पे रैक है, ये रैक पे ही जो है ना, ये जो एप्रन बॉक्स दिखा रहा है ना, क्रॉस स्लाइड दिखा रहा है पूरा, है ना, तो ये इसी को इधर से उधर करते हैं ना, पूरा रैक पे इधर से उधर स्लाइड होता है, ये जो क्रॉस स्लाइड है ना आपको, ये आपको उसी पे आपको आपको स्लाइड होता है, ये यहां से वहां तक स्लाइड होता है ना। दूसरा ये आपको हेड स्टॉक है, ये आपको हेड स्टॉक है, ये आपको स्पीड गियर बॉक्स है, स्पीड गियर बॉक्स में स्पीड चेंज करते हैं, गियर बॉक्स लगा के आपको डिफरेंट स्पीड पाने के लिए गियर को चेंज करते हैं। आपको लो स्पीड में काम करना है, मीडियम स्पीड में काम करना है, हाई स्पीड में काम करना है, आपको यहां पर स्पीड गियर बॉक्स में आपको गियर चेंज करके वहां पर आपको चेंज कर लेते हैं, है ना। गियर वो इसको चेंज कर लेते हैं, ये आपको फिट गियर बॉक्स है ना, यहां से यहां तक आपको यहां पे मोटर लगा हुआ है ना। तो यहां पर आपको वर्किंग प्रिंसिपल लेथ का आपको समझाया जा रहा है, ये आपको हेड स्टॉक है और ये आपको टेल स्टॉक है, वर्कपीस को यहां पे रखा जाता है ना, और टूल से यहां पर आपको कटिंग किया जाता है ना, टूल से आपको यहां पर आपको कटिंग किया जाता है। तो आपको जहां पर नहीं आपको समझ में आएगा तो आप जो है आप हमें बताइएगा, ये आपको काइनेमेटिक सिस्टम है एंड ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपको यहां पर बता रहा है। दूसरा पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन, देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूं, पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स का नाम याद करना बहुत ही आपको जरूरी है, लेथ को समझना वो आपको बहुत जरूरी है। यहां पर फिर से मैं आपको पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको गियर बॉक्स है, ये आपको फिड रिवर्स लीवर है, ये आपको हेड स्टॉक है, ये आपको स्पिंडल नोज है, ये आपको वेड वेज है ना, ये आपको मोटर ड्राइव है, ये आपको कैरेज हैंड लीवर है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है, ये आपको फ्रिक्शन क्लच कंट्रोल है, ये आपको एप्रन है, ये आपको हाफ नट लीवर है, ये आपको बेड है, ये आपको लेड स्क्रू है, ये आपको फिंड चेंज लीवर है, ये आपको टेल स्टॉक है, ये आपको टेल स्टॉक स्पिंडल क्लैंप है, ये आपको टूल पोस्ट है, ये आपको कंपाउंड रेस्ट है, ये आपको सेडल है ना। सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर कंप्लीट आपको दिया गया है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एज ए टेक्नीशियन। आप इसको फिगर को बनाइए, घर पे बनाइए और ये सारे पार्ट्स का नाम आप इसको याद कर लीजिए, है ना। तो ये लेथ के बारे में जानकारी हो जाएगा ना तो आप एक अच्छा मैनेजर बन सकते हैं किसी भी कंपनी में आकर के। लेथ के जो है 90% इंडिया में जो काम होता है ना वो लेथ पे होता है, किसी भी इंडस्ट्री में लेथ की जानकारी हो गई। याद रखना पड़ेगा सर ने। हाँ नाम आपको याद रखना पड़ेगा तब सुपरवाइजर या मैनेजर पे आ सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल मैनेजर, आप आराम से जो है अच्छा मैनेजर आपको। देखिए होता क्या है ना, लेथ कभी कभी खराब हो जाता है,
लेथ खराब हो जाता है, लेथ जो है आपको एक्यूरेट पार्ट नहीं भी जो है कभी कभी बनता है ना, एक्यूरेट पार्ट जो है आपको कभी कभी जो है नहीं बनता है, तो लेथ को खोलना पड़ता है, लेथ को आप जैसे खराब हो जाएगा तो आप उसको फेंक तो नहीं देंगे मशीन को, काफी महंगी मशीन है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। हमने कई बार इसको असेंबल कराया है और इसको सारे पार्ट्स को खोला है, सारे पार्ट्स को देखा है ना, तो जब तक आपको सारे चीज का जानकारी नहीं होगा ना तो आप जो है सारे पार्ट्स का नाम का जानकारी होना चाहिए, वो बिल्कुल जरूरी है। ये जो है आप बिल्कुल इसका फिगर आप घर पे बना लीजिएगा और इसका ये आपको जरूरी है ना, तो इसमें इस पे काम आ गया ना, लेथ पे काम आ गया ना तो आप अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपको जरूरी है, सारे पार्ट्स का नाम आपको यहाँ पर, मैं आपको कभी भी आपको दिक्कत होगा आप हमें फोन करिए, आप हमें मेल करिए और किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत आपको जो आपको दे दिया जाएगा है ना, ये पार्ट्स का आपको हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं सर, पीडीएफ इसका नहीं है ना भेजा, इस क्वेश्चन का भेज दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं इसका पीडीएफ भेज देंगे, कल मैंने टूल का भेज दिया था। जी जी सर। हाँ वो ये इसका भी भेज देंगे, पीडीएफ आपको बिल्कुल भेज देंगे, स्टडी मटेरियल के हमारे पास कमी नहीं है, हमारी कई बुक्स आती है मार्केट में, लेथ की हमारी बुक्स आती है मार्केट में है ना, हमारी बुक्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है, इसीलिए आपको ये पीडीएफ बिल्कुल जो है अभी लेक्चर खत्म होगा मैं भेज दूंगा है ना। लेथ का बुक का कितना प्राइस पड़ता होगा सर, बहुत महंगा आता है ऐसा ये सब किताब ना, 1.25 लाख का पड़ता है, 1.25 लाख मतलब मिनिमम है। जी जी सर। देखिए मैंने आपको दिखाया ना कि कई तरह के लेथ हैं अभी। जी जी सर। तो जो आपको सीएनसी लेथ है ना वो आपको 15 लाख का पड़ता है। अच्छा ये वाला कौन सा लेथ है ये सर, इसका क्या नाम है? ये आपको इंजिन लेथ है, ये आपको अच्छा। माँ यशोधरा में है, माँ यशोधरा में आपको है और ये आपको इंजिन लेथ है ना, तो वो आपको कई तरह के लेथ मैंने बताया ना कि स्मॉल है, लार्ज है, कैपिटल है, कैपेसिटल लेथ है, टरेट लेथ है, तो ये कॉस्ट आपको वेरी करता है, तो ये लेथ वहां पर है आपको जो है, तो ये आपको महंगी मशीन है, महंगी मशीन है ना, तो इसीलिए ये पार्ट्स को आपको जानना जरूरी है, जो ये पार्ट्स को जान जाएंगे ना तो आपको हर एक इंडस्ट्री में आपको लेथ रहता ही रहता है, अगर मेटल वर्किंग इंडस्ट्री है तो लेथ है, बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये आपको जानना जरूरी है ना, और देखिए एक एक पार्ट्स आपको मैं क्लियर कराता हूं, ये आपको लेथ पार्ट्स है, आपको लेथ बेड है, देखिए लेथ का बेड है ये है ना, दिस इज मेड फ्रॉम द कास्ट आयरन का बना होता है ये है ना, और इसके जो है ना ये आपको यहां पे देखिए, आपको यहां पे स्लाइड वेज फॉर द सैडल दिया हुआ है, स्लाइड वेज फॉर द टेल स्टॉक यहां पे आपको दिया है नहीं है ना, ये आपको टेल स्टॉक है, ये स्लाइड वेज फॉर द सैडल है कि नहीं, तो ये एक्यूरेटली मशीन सरफेस होता है, इसमें जो टूल पोस्ट आपको चलता है ना इसी स्लाइड वेज पे चलता है ना, ये जो कैरेज टेल स्ट्रोक है ना ये इसी पे चलता है, जो हेड स्टेक ऑन अपर एंड द लेथ बेड है ना वो इसी पे रखा जाता है, ये आपको लेथ बेड है, ये जो लेथ बेड यहाँ पे यहां से ये आपको यहां से यहां तक है ना ये आपको लेथ बेड है पूरा, ये जो बेड कह रहा है ना ये लेथ बेड है, उसका आपको साइड व्यू मैंने एक दिन आपको बताया था ना, क्लास लिया था ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये आपको साइड व्यू आपको दिया हुआ है, लेथ बेड का आपको साइड व्यू आपको दिया हुआ है, और ये आपको कास्ट आयरन का बना होता है, और इसके जो एक्यूरेसी ये जो होता है ना स्लाइड वेज वो एक्यूरेट होता है ना, ये एक्यूरेट होता है, तभी तो इस पे टेल स्ट्रोक चलेगा, कैरेज चलेगा,
तो एक्यूरेसी के साथ चलेगा और एक्यूरेट पार्ट बनाएगा, एक्यूरेट पार्ट बनाएगा, है ना। ये काफी हैवी होता है आपको लेथ वेट, है ना, ये आपको आपको लेथ बेड है। दूसरा ये देखिए लेथ का पार्ट्स, ये आपको यहां पर हेड स्ट्रोक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक एक चीज ना आपको मैं आपको आप कह रहे थे ना कल, मैं आपको एक एक चीज मैं खोल के दिखाऊंगा। देखिए इनसाइड द हेड स्ट्रोक, ये जो हेड स्ट्रोक है ना यहाँ पे, ये आपको गियर लगा हुआ है, ऐसे ही चार गियर लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन कहाँ आ रहा है सर? है क्वेश्चन ये यहाँ पे तो लेथ पार्ट से दिखा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? लेथ पार्ट्स दिखा रहा है, दिखा रहा है। ये जो हेड स्ट्रोक है ना, हेड स्ट्रोक के अंदर ये चार गियर लगे हुए हैं। जी जी ये चार गियर आपके यहाँ पे आपको लगे हुए हैं, ये चार गियर आपके लगे हुए होते हैं। इसी गियर को ना जब स्पीड चेंज करना होता है ना, इसी गियर को खोल के चेंज करते हैं, है ना। तो स्पीड ज्यादा होता है सर ना? हाँ, स्पीड को बढ़ाना है घटाना है तो गियर को चेंज कर देते हैं, है ना। ये गियर को चेंज कर देते हैं तो आपको स्पीड बढ़ जाता है घट जाता है, तो ये आपको गियर का है। देखिए और फिर यहां पर मैं आपको, ये आपको क्रॉस स्लाइड हो गया, ये आपको लेथ का टूल हो गया, है ना, ये आपको टॉप स्लाइड हो गया, ये आपको कूलेंट का सप्लाई है। कूलेंट का सप्लाई आपको जरूरी है, कूलेंट का सप्लाई ना, अगर कूलेंट का सप्लाई नहीं देंगे ना तो आपका टूल जल्दी खराब हो जाएगा, जो वर्कपीस है ना वो आपको जल्दी खराब हो जाएगा। तो हर एक इंडस्ट्री में जो है ये मैनेजर ध्यान देता है कि वो वर्कर कूलेंट चला रहा नहीं चला रहा, है ना, क्योंकि दोनों में जो है वर्कपीस चलेगा टूल चलेगा काफी गर्मी पैदा हो जाएगी, है ना, रबिंग होगा, तो वो देखता है कि कूलेंट चला रहा नहीं चला रहा है। कूलेंट चलाएगा तो आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका वर्कपीस है, ये आपको स्टील है, यहाँ पे टूल है, ये आपको लेथ का टूल है ना, ये आपको हेड स्ट्रोक के बारे में कह रहा है, होल्ड्स द लेथ स्पिंडल एंड गियर्स, है ना, हेड स्ट्रोक जो है आपको लेथ स्पिंडल को गियर और गियर्स को आपको चेक करता है। चेक इज फिटेड टू द स्पिंडल, चक है ना, ये आपको स्पिंडल में फिट होता है, ये आपको स्पिंडल है, ये आपको चक है। चक के बारे में आपको दिखाएंगे, दो दो तरह के चक होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पिंडल इज हॉलो फॉर द लॉन्ग बार्स, स्पिंडल इज जो है ना आपको हॉलो है फॉर द लॉन्ग बार्स, स्पिंडल इज हॉलो फॉर द लॉन्ग बार्स। स्पिंडल अगर ये आपको ये जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप उस आप बताइएगा, है ना। ये सारे आपको लेथ के पार्ट्स हैं, ये आपको गियर बॉक्स है, है ना, ये आपको फिर आगे ले चलते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, लेथ पार्ट्स कंटिन्यूड। देखिए ये आपको टेल स्ट्रोक था, टेल स्ट्रोक है ये, और ड्रिल चक है। अगर ड्रिल करना है ना यहां पे, होल करना है ना, तो यहां पे ड्रिल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है इसको, ये सारे पार्ट्स का नाम बिल्कुल आपको याद आना चाहिए। इसको मोर स्टेपर बोलते हैं, ड्रिल बिट में जो यहाँ पे आता है ना उसको मोर स्टेपर बोलते हैं, है ना। ये आपको ड्रिल चक है, ये आपको ड्रिल बिट है ना, ये आपको ड्रिल बिट है, और ये आपको काउंटर सिंक बिट है, ये आपको देखिए काउंटर सिंक बिट है, और ये आपको चक है ना। तो टेल स्ट्रोक आपको समझ में आ गया, टेल स्ट्रोक कैन बी मूव्ड अलोंग द साइड स्लाइड वेज, ये स्लाइड वेज में इसको मूव कर सकते हैं टेल स्ट्रोक को, एंड टेल स्ट्रोक कैन बी क्लैम्प्ड इन द एनी लोकेशन, बेड पे कहीं भी उसको क्लैम्प कर सकते हैं, है ना, और इनसाइड टैपर्ड टू होल्ड द ड्रिल चक, ये आपको ड्रिल चक को आपको जो है ना ये आपको रखने के लिए आपको काम आता है, है ना, ये आपको लेथ के पार्ट्स हैं, है ना, ड्रिल चक, मोर स्टेपर, ड्रिल चक, ड्रिल बिट, है ना, काउंटर सिंक बिट, है ना, ये सारे जो है ना पार्ट्स आपको इंडस्ट्री में आपको यूज होते हैं, जो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। दूसरा ये देखिए यहां पे दिखाया जा रहा है,
पहले मैंने ना थोड़ा सा आपको पार्ट्स के नाम यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे एक एक पार्ट्स के जो है ना अलग अलग ये जो जो पार्ट्स हैं वो सारा, जैसे कैरेज वहां पे आपको आपको बता दिया था कि ये कैरेज है, कैरेज में क्या क्या है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कैरेज में ये आपको कैरेज है जो जो पूरा जो टूल को लेके इधर से उधर जाता है ना बड़ा सा, उसको कैरेज बोलते हैं, है ना, उसको कैरेज बोलते हैं। तो इसको टॉप स्लाइड बोलते हैं, इसको टूल पोस्ट बोलते हैं, इसको सैडल बोलते हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं, और इसको एप्रॉन बोलते हैं, और इसको बेल्ट बोलते हैं, इसको फिट शाफ्ट बोलते हैं, इसको लीड स्क्रू गार्ड बोलते हैं, इसको स्लाइड वेज बोलते हैं, इसको टेल स्टॉक बोलते हैं। ये आपको कैरेज जो है ना मूव्स अलोंग द बेल्ट एंड टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक, कैरेज जो है ना टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में आपको मूव करता है, है ना, है ना। और एप्रन, एप्रन हैंग्स डाउन इन द फ्रंट, एप्रन जो है आपको यहां पे रहता है वो आपको बताता है। ये सारे लेथ के पार्ट जो है, ये आपके जो है लेथ के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको आपको बताया जा रहा है ना, लेथ के पार्ट्स में आपको बताया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको क्रॉस स्लाइड है ना, ये क्रॉस स्लाइड का आपको हैंडल है ना, ये आपको टॉप स्लाइड है ना, ये आपको चक है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको टूल है ना, ये आपको टॉप स्लाइड है, ये आपको स्टील है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड फिटेड ऑन द सैडल, क्रॉस स्लाइड जो है ना वो सैडल पे फिट होता है क्रॉस स्लाइड। ये सिर्फ यहां पे क्रॉस स्लाइड आपको दिखाया गया है, क्रॉस स्लाइड जो है ना यहाँ पे एक एक इधर रहता है, एक इधर रहता है ना, एक टॉप स्लाइड बोलते हैं इसको, इसको क्रॉस स्लाइड हैंडल बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको क्रॉस स्लाइड है ना, यहाँ पे आपको दिखाया गया था टॉप स्लाइड दिखाया गया था ना यहाँ पे। तो एक एक पार्ट का ना आपको क्लियर आपको आइडिया आपको 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 बताते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा लेथ का ना पूरा कंप्लीट आपको आपको कैचअप हो जाएगा। ये आपको स्टील है, ये आपको क्रॉस स्लाइड हैंडल बोलते हैं, इसको टॉप स्लाइड बोलते हैं। सर इसका काम क्या है क्रॉस स्लाइड का? ये देखिए, ये जो है ना ये टॉप स्लाइड पे ये जो टूल है ना, टूल यहाँ पे होल्ड किया जाता है और क्रॉस स्लाइड से मूवमेंट देते हैं, जो फीट देना है कितने फीट में कट करना है, है ना, और इधर से उधर करना है टूल को, टूल को इधर से उधर करना है तो क्रॉस स्लाइड से करते हैं, है ना। ओके, ये वर्कपीस में टूल को आप इधर से उधर तो करेंगे ना, तो हाँ तो इधर से उधर करेंगे तो ये आप इसको नीचे घुमाएंगे ना तो ये आगे पीछे होगा ये, और इसको यहाँ पे आप घुमाएंगे ना तो ये इधर आगे पीछे होगा। ओके ओके, समझ गए सर। हाँ, तो ये आपको क्रॉस स्लाइड से आपको जो है आपको टूल को जो है ना जो जो वर्कपीस है उसमें मूवमेंट कहाँ पे टूल को फिक्स करना है कटिंग के लिए, ये काम है इसका क्रॉस स्लाइड का, है ना। ये आपको आपको क्रॉस स्लाइड है। और दूसरा देखिए, यहां पर भी वही पार्ट्स आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको टॉप स्लाइड है, ये चक है, ये स्टील है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है ना। टॉप स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट भी बोलते हैं, ये जो टॉप स्लाइड है ना इसको कंपाउंड रेस्ट भी बोलते हैं, फिटेड टू द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड। ये आपको क्रॉस स्लाइड का ना टॉप पे आपको फिट रहता है। ये जो है ना क्या क्या कैरी करता है, टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल, है ना। ये यहाँ पर ये कटिंग टूल, ये यहाँ पे कटिंग टूल रहता है, इसको टूल पोस्ट बोलते हैं। कैन रोटेट एट एनी एंगल, यहाँ पे जो है ना देखिए ये जो दिया हुआ है इसको रोटेशन दे सकते हैं, है ना, इसको हाँ इसको इसको यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं, वर्कपीस के साथ में जो टूल को है ना किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं, टूल को किसी भी एंगल पे इसको रोटेट किया जा सकता है, है ना। और यूज टू टर्न टैपर, टैपर कट करना है तो इसको आपको काम किया जाता है, है ना, टैपर कट करना है तो ये आपको कंपाउंड रेस्ट है, टेपर कट करना है फिर आपको काम किया जाता है, है ना। और फिर देखिए आपको यहाँ पे फिट शाफ्ट बताया जा रहा है।
फीड शाफ्ट एंड लीड स्क्रू, है ना। फीड शाफ्ट जो है इट इज यूज टू मूव द कैरेज ऑटोमेटिकली। फीड शाफ्ट का क्या काम है, यहां पे देखिए फीड शाफ्ट है, ये जो पूरा कैरेज है ना, कैरेज को फीड शाफ्ट के साथ इंगेज कर देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है, ऑटो हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है आपको चलने लगेगा। जब ऑटो फिट देना है ना, तो एक साइड से दूसरे साइड तक जो है ऑटोमेटिकली जो है फीड शाफ्ट के मदद से वो आपको आपको चलता रहता है, इधर से आपको चलता रहता है। और लीड स्क्रू है ना, ये आपको यहाँ पे लीड स्क्रू दिया हुआ है, जब स्क्रू कटिंग के लिए यूज होता है, थ्रेड कटिंग करते हैं ना, स्क्रू कटिंग करते हैं, थ्रेड कटिंग करते हैं, तो लीड स्क्रू का यूज करते हैं, है ना। तो फिर से हम आपको जो है रिवाइज कर देते हैं, ये आपको टेल स्टेक है, ये आपको स्लाइड वेज है, ये आपको लीड स्क्रू है, ये आपको फिट शाफ्ट है, ये आपको बेड है, ये आपको एप्रन है, ये आपको टॉप स्लाइड है, ये आपको टूल पोस्ट है, ये आपको सैडल है, ये आपको क्रॉस स्लाइड है। इसका फिगर आप जो है घर पे आप बना लीजिए और सारे पार्ट्स का नाम आप जो है याद कर लीजिए, है ना। क्लियर हो गया, है ना। लेस का पार्ट जो है आपका अब यहां पर आपको आपको खत्म हो गया। दूसरा लेथ स्पेसिफिकेशन, जैसे आपने पूछा ना कि अभी लेथ का कॉस्ट क्या है, है ना। तो लेथ स्पेसिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि अगर हम बाजार में लेथ को खरीदने जाते हैं तो कैसे बताएंगे कि हमें कौन सा लेथ चाहिए, कौन सा लेथ चाहिए। तो उसी को बोलते हैं लेथ स्पेसिफिकेशन। आप मार्केट में बताएंगे कि हमें इस तरह का लेथ चाहिए, वही उसी को बोलते हैं लेथ स्पेसिफिकेशन। लेथ स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जो आपको सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, सेंटर के बीच में डिस्टेंस, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ना, तो वहां पे वर्कपीस लगाते हैं, तो उस डिस्टेंस से बताते हैं कि हमें 2 मीटर का चाहिए, 1.5 मीटर का लेथ चाहिए हमको, 1.5 मीटर का हमको उसमें वर्कपीस जो है आपको काम करना है, है ना, 1.5 मीटर का हमको उसमें चाहिए। तो ये आपको ये बाजार में खरीदने के लिए ये आपको बताता है। स्विंग ओवर द बेड, बेड के ऊपर में कितना जगह है, स्विंग कितना डायमीटर का स्विंग हो सकता है, है ना, उस पे स्पेसिफिकेशन आपको बताता है कि कितना डायमीटर का उसमें जो है लेथ में आपको वर्कपीस आपको होल्ड करेगा, है ना। स्विंग ओवर द क्लास स्लाइड, सिंग ओवर द क्लास क्रॉस स्लाइड, कितना डायमीटर का जो वर्क पे वर्कपीस है क्रॉस स्लाइड के बीच में लगेगा, है ना। तो इस पे लेथ को स्पेसिफाई किया जाता है। हॉर्स पावर ऑफ द मोटर, मोटर का हॉर्स पावर कितना है ना। कटिंग स्पीड रेंज, कटिंग स्पीड जो है कितना के कितना रेंज में जो गियर बॉक्स चेंज करके जो है कितना कटिंग स्पीड ला सकते हैं ना, वो कटिंग स्पीड रेंज है ये, है ना। स्क्रू कटिंग कैपेसिटी, स्क्रू कट करने की कैपेसिटी कितनी है उसकी, है ना। एक्यूरेसी अचीव, कितना एक्यूरेसी उसमें मिल सकता है, है ना। स्पिंडल नोज डायमीटर, स्पिंडल नोज डायमीटर वो आपको, स्पिंडल नोज डायमीटर कितना है, है ना। तो उसपे आपको आपको डिपेंड करता है ना, स्पिंडल का नोज डायमीटर कितना है। तो ये आपको लेथ स्पेसिफिकेशन है। आप मार्केट में स्पेसिफिकेशन उसी को बोलते हैं, मार्केट में अगर खरीदने जाएंगे ना तो कैसे खरीदेंगे उसी को लेथ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मैं आपको सेंटर का आपको डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूं, ये सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, है ना। स्विंग ओवर द क्लास स्लाइड, कितना डायमीटर का यहाँ पे लगेगा, कितना डायमीटर का यहाँ पे लगेगा, ये इसी को बोलते हैं स्विंग ओवर द बेड। स्विंग ओवर द क्रॉस स्लाइड, कितना डायमीटर का आप फिक्स कर सकते हैं, कितना हॉर्स पावर का मोटर उसमें आपको लगा हुआ है, कटिंग स्पीड का रेंज क्या है,
है ना, स्क्रू कटिंग कैपेसिटी क्या है, इसी को लेथ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। स्पिंडल नॉच डायमीटर क्या है, उसी को इसमें बोलते हैं, है ना, है ना। तो ये आपको लेथ स्पेसिफिकेशन हो गया, और उसके बाद लेथ एसेसरी है। लेथ एसेसरी में सारे पार्ट्स का आता है, कौन कौन सा एसेसरी है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है ना। तो ये आपको चक के बारे में एक एक करके आपको पूरा लेथ का जो है ना, हर एक पार्ट्स का आपको बता देंगे। अब उसका टाइम खत्म हो रहा है, तो ये 40 मिनट का होता है, तो मैं आपको इसको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपको है ना लेथ का पार्ट्स आप इसको इसमें कंटिन्यू, है ना। आकाश जी पूरा समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, जहां आपको दिक्कत होगा आप फोन कर सकते हैं। हाँ बताइए बताइए आकाश जी। हाँ सर, आ रहा, समझ में आ रहा है। हाँ, इसको मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और इसको समझ लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा आपको टॉपिक, अमृत जी भी बोल रहे थे कि लेथ के बारे में जो है उसका लेक्चर आप बताइए इसका जो है, तो लेथ के बारे में ही जो है मैंने आज इसको शुरू किया था, है ना। आकाश जी कहाँ मकान है आपका? मेरा मकान सर सुल्तानगंज, भागलपुर। अच्छा, सुल्तानगंज से आप वहां से लिंक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अमृत जी कहाँ है आपका मकान? समूहगंज से ही बगल में है सर, 10 किलोमीटर वर्षाबाद। नहीं, कौन सी जगह है? वर्षाबाद, समूहगंज। अच्छा, वर्षाबाद। हम समझ गया वर्षाबाद में। नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही। हाँ बताइए सर, अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर मनोज कुमार हूँ, है ना। तो ओके सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, हमारा घर तो शंभुगंज ही है, बात आई नहीं समझ में? शंभुगंज ही है। मैं वहां पे कॉलेज में जो कॉलेज खोला हूँ ना, कॉलेज का प्रिंसिपल मैं ही खुलवाया हूँ वहां पे। तो लेकिन मैं आपको क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं अभी रहता हूँ दिल्ली में हूँ, है ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में जो है यहाँ पे हमारा मकान है और वहां भी मकान है। बात है नहीं समझ में? बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, वो कैलाश जी हमारे रिश्तेदार पड़ते हैं। अच्छा जी जी सर। हाँ, वो जो कैलाश जी, ओके, वो मेरे गांव के हैं, अंकल लगते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ जो है अभी हम रहते हैं। आपको अभी हम दिल्ली से लिंक कर रहे हैं और दिल्ली से आपको जो है ऑनलाइन आपको हम बता रहे हैं, है ना। तो आपको कभी भी दिक्कत हो, आपको किसी तरह की मटेरियल की जरूरत हो, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आपको हर एक तरह का मटेरियल आपको बता दिया जाएगा, है ना। और है ना, आप प्राइवेट जॉब में? हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्लास करने के बाद, हाँ क्लास करने के बाद कोई प्राइवेट जॉब में प्रेफरेंस तो इसके अनुसार तो मिल सकता है ना? हाँ, आपको देखिए, प्राइवेट फर्म में तो आपको जो है नॉलेज रहना आपको जरूरी है। आप एक बार किसी कंपनी में आप इंटर कर जाइए, और उसके बाद वो आप में जो है कैपेसिटी कितनी है, आप जो है कितना एरिया में आप जो है जा सकते हैं, कितने पोस्ट तक जा सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी है कि नहीं। आपको कितना नॉलेज होता है कंपनी के बारे में, तो आप एक बार कंपनी में एंटर कर जाइए और धीरे धीरे जो है वहां का टूल रूम, वहां का क्वालिटी कंट्रोल, वहां का प्रोडक्शन प्लानिंग, वहां का डिजाइन डिपार्टमेंट, आप जितना कवर कर सकते हैं, आप जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। एक साल में कवर हो जाता होगा सर अप्रेंटिस का पूरा, उसका जो बोलता है एक साल में? देखिए, वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस करके आपको धीरे धीरे होगा। आप एक मशीन पे जाएंगे, दूसरे शॉप में जाएंगे, सबका काम अलग अलग रहता है ना। तो वो आपको धीरे धीरे जो है, कई मैंने आपको मैंने देखा है कि कई जो है ITI किए हुए जनरल मैनेजर बन गए। कारण वही है कि उसको सारे कंपनी का नॉलेज हो गया है और मालिक उसको छोड़ना नहीं चाहता है कोई भी कंपनी का।
हाँ, आप एक बार कंपनी में एंट्री ले लीजिए, फिर कंपनी के बारे में सारा चीज जानकारी लेते लीजिए कि वहाँ कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, कौन कौन सा जो है कि कौन कौन सी मशीनें हैं, कहाँ क्या काम होता है, आप धीरे धीरे वहां पे आप ग्रोथ करते रहिएगा। सर एंट्री कैसे लूंगा पहले? नहीं, आपका जो पहले तो आईटीआई कंप्लीट होगा, उसके बाद ही तो होगा। कई कंपनी का तो मैं भी ए, ए, अच्छा आपका हो चुका है? यस सर। अच्छा कितना सेशन है आज भाई? 18-20 सेशन है क्या अब? ये 17-19 मेरा 17-19। अच्छा 17-19 का है। आपको सर्टिफिकेट मिल गया है? हाँ। अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया है, तो देखिए मैं कई जॉब्स का जो है ना अभी भेज रहा हूँ, लेकिन अभी कोरोना है तो कोरोना में अभी घर में रहिए, सेफ रहिए। और जो कंपनी का ना उसमें मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ पे मैं आप देखिएगा कि मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है। हाँ आपका दिया हुआ है सर? नहीं नहीं, वो कंपनी का भी दिया हुआ रहता है। जो अच्छा, मैं उसमें भेजता हूँ ना उसमें क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, कंपनी का आदमी का मोबाइल नंबर रहता है। और जो है तो आप उससे कांटेक्ट कीजिए कि जो है अब उससे उससे मोबाइल से फोन कीजिए कि जो है मैं आपको आना चाहता हूँ। तो कोरोना भी खत्म होने दीजिए, उसके बाद जो है जो जो भेजते जाता हूँ, कई पहले भी भेजा हूँ, आप पहले भी कई मैं आपको एक साल से भेजता जा रहा हूँ, किसी कंपनी का यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट आता है तो आप कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट करके और वहां से जो है आप वहां कॉन्टेक्ट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कीजिए, जहां मन करता है वहां धीरे धीरे आप अपना कैरियर बनाइए, है ना? हाँ वो तो पहला तो रिक्वायरमेंट है आपका सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई आकाश जी। तो आप जो है वो आप जॉब का सर्च कीजिए और जो है और जो जो नॉलेज है ना बुक का नॉलेज वो आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल सर। हाँ वो क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी में ना नॉलेज आपको ज्यादा होता जाएगा तो वो जो है आप जो है धीरे धीरे वहां पे बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो है ये आपको आपको जरूरी है ना? तो यस सर। हाँ तो ये आज मैं आपको सारे लेथ का पार्ट्स जो है आपको आपको बता दिया और ये आपको यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो गया। फिर मैं कल जो है आपको यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा, है ना? आपको ओके सर। हाँ कल फिर मैं लेथ का आगे मैं बताऊँगा आपको। आज जो है लेथ के पार्ट्स बताया मैंने आज, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द लेथ। ये लेथ का फिगर आप बना लीजिए, नहीं बनाया है नहीं जानते हैं आप इसको बना लीजिए और पीडीएफ दे दीजिएगा सर। आप पीडीएफ तो मैं भेज देता हूँ अभी, मैं जो है क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेक्चर वीडियो में भेज दूंगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, आप दो बार तीन बार आप लेक्चर वीडियो देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, है ना? ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो क्योंकि होता क्या है ना कि पहली बार कोई टर्म सुना हुआ है तो याद नहीं रहता है। हाफ नट लीवर जैसे आप सुन रहे हैं, हाफ नट लीवर पहले आपने आपने सुना नहीं है, तो आप दो बार तीन बार आप देखेंगे ना वीडियो, दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कैरेज हैंड व्हील है, दो बार तीन बार आप देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, है ना? फिट रिवर्स लीवर है, स्पिंडल नोज है, कंपाउंड रेस्ट है, टेल स्ट्रोक स्पिंडल कैंप है, तो आपको फिट चेंज लीवर है, तो ये आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। तो ये हाँ ये जो है जैसे बेड के बारे में यहाँ पे स्पेशल बताया गया, तो इसी पे जो है कैरेज जो है ना मूव करता है, कैरेज इसी पे मूव करता है ना, कैरेज इसी पे मूव करता है। तो ये आपको जरूरी है कि जो है लेथ का कंप्लीट में आपको आपको मैंने बताया नहीं, कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको लेथ को खुलवाना पड़ेगा, लेथ को असेंबल करना पड़ेगा, तो आप जब तक पार्ट्स को आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? कोई जो है अब जो है क्रॉस स्लाइड ठीक से काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो ये आपको खुलवा करके फिर असेंबल करना पड़ेगा। कहीं में आपका मोटर खराब हो गया, कहीं गियर खराब हो गया, तो ये आपको करना पड़ेगा, है ना?